श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे हुआ टाई तो इस खिलाड़ी पर जमकर बरसे कप्तान रोहित। जीता मैच हाथ से फिसला तो टीबीडे के कप्तान रोहित ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा। मैच के बाद कप्तान रोहित ने कैमरे पर बोला ऐसा सुनकर कोच गंभीर भी हैरान रह गए। पहले वनडे में भारत और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुकाबला आखिरी समय तक तराजू पर रखा नजर आया। अंत में मैच टाई साबित हुआ और टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा ने जीता मैच फिसलने के बाद बल्लेबाजी पर हार का ठीकरा फोड़ा है। टीम इंडिया को 15 गेंदों में जीत के लिए जब महज एक रन की दरकार थी तो लगातार दो विकेट गिर गए। अब टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए आखिरी दो वनडे मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वहीं रोहित शर्मा ने मैच टाई होने के बाद क्या कहा, चलिए वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा, स्कोर हासिल किया जा सकता था लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हमने टुकड़ों में अच्छी बल्लेबाजी की, कोई निरंतर गति नजर नहीं आई। ऊपर से कुछ विकेट हमने जल्दी खो दिए। केएल और अक्षर की साझेदारी के साथ हमने वापसी की। अंत थोड़ा निराशाजनक रहा। श्रीलंका ने अच्छा खेला, ये एक उचित परिणाम था। पिच वैसी ही रही। ये वो जगह नहीं है जहां आप आकर अपने शॉट खेल सकते हैं। आपको डटकर खेलना होगा। खेल अलग अलग समय पर दोनों टीमों के पक्ष में चला गया। हमें वो एक रन मिल जाना चाहिए था। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। सलामी बल्लेबाज प्रथम निशांका ने 56 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाज दुनित वेलालागे ने नाबाद 67 रनों की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 230 तक पहुंचा दिया। जवाबी कार्रवाई में टीम इंडिया की भी अच्छी शुरुआत रही लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज अपना प्रभाव डालने में कामयाब नहीं हो पाए। भारत के पास 48वें ओवर में दो विकेट बाकी थे और जीत के लिए महज एक रन की दरकार थी। गेंद श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज चरित्र श्रीलंका के हाथों में थी। उन्होंने लगातार दो गेंदों में दो बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया और मैच को टाई पर रोक दिया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 58 रनों की धुआंधार पारी खेली जिस पर पानी फिर गया। श्रीलंका और हसरंगा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। भारत को आखिरी 18 गेंदों पर जीत के लिए महज 5 रनों की दरकार थी। भारत के लिए शिवम दुबे और मोहम्मद सिराज क्रीज पर थे। इसके बाद अर्शदीप सिंह का आना बाकी था। श्रीलंका के लिए कप्तान चरित्र श्रीलंका 48वां ओवर करने मैदान पर उतरे। इस ओवर की पहली दो गेंदों पर शिवम दुबे कोई रन नहीं बना सके लेकिन तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया। इस चौके के बाद ड्रेसिंग रूम में भारत के खिलाड़ी और हेड कोच गौतम गंभीर खुशी से झूमे उठे। भारतीय टीम की जीत तकरीबन तय हो चुकी थी लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। चरित्र श्रीलंका की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद शिवम दुबे चौथी गेंद पर आउट हो गए। हालांकि शिवम दुबे के अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू में वो आउट करार दिए गए। इसके बाद भारत को मैच एक रन बनाना था। अर्शदीप सिंह नए बल्लेबाज के रूप में आए लेकिन वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए और इस तरह से मुकाबला टाई हो गया। हालांकि कोई टीम हारी नहीं लेकिन श्रीलंका ने जिस हालात से हार को टाला उसके बाद मेजबान खिलाड़ी और कोच खुशी से झूम उठे। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के बीच ड्रेसिंग रूम में मातम छा गया। इस तरह भारत पहला वनडे जीतते जीतते रह गया जिस पर अब कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो आप भी कप्तान रोहित शर्मा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।